फिल्म की शुरुआत में हमें एक बड़ा कछुआ दिखाया जाता है जिसके ऊपर चार साथी थे और उनके ऊपर डिस्क वर्ल्ड था, जिसके बाद हमें कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जो जहाज से डिस्क वर्ल्ड के बाहर जाकर उस कछुए का जेंडर मालूम करना चाहते थे। पर अब सीन अंक मोरपोर्क पर मुड़ जाती है जो डिस्क वर्ल्ड का सबसे पुराना गाँव था, जहाँ एक अमीर इंश्योरेंस सेलर टू फ्लावर घूमने आया था। इस गाँव में एक अनसीन यूनिवर्सिटी ऑफ विजर्ड्स है जहाँ जादूगर लोगों की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद हमें अब बैकग्राउंड जानकारी से बताया जाता है कि सब जादूगर अच्छे नहीं होते, उनकी आठवीं रैंक होती है जो चैंसलर बनते हैं, लेकिन सातवां रैंक वाला आठवें रैंक वाले को रास्ते से हटाने की कोशिश करता रहता है ताकि वो चैंसलर बन सके। इसके बाद हमें एक जादूगर रेमलेट के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनिवर्सिटी का चैंसलर और सातवां रैंक वाला जादूगर टिरमोन रूमलेट के बारे में बता रहा होता है कि तभी वहाँ एक और जादूगर रिंसविन आ जाता है, जिसे देखकर चैंसलर उसे अपने केबिन में आने को कहता है। अब रिंसविन जब केबिन में जाता है तो चैंसलर उसे कहता है कि तुम्हें कोई जादू नहीं आता और ना ही तुम्हें कोई ट्रेनिंग की थी, तो तुम यहाँ क्यों आए, यहाँ से चले जाओ और दोबारा मत आना। अब अगले सीन में हम टू फ्लावर को देखते हैं जो गांव के एक आदमी से किसी होटल का पता पूछता है, जिसके बदले वो उसे एक सोने का सिक्का देता है। दरअसल टू फ्लावर को इस गांव की भाषा नहीं आती, इसलिए वो अपने अनुवाद की किताब से पढ़कर बातें करता था, जो सारी चीज रिंसविन भी देख रहा था। टू फ्लावर के पास एक बक्सा भी था जिसमें कई सारे सोने के सिक्के थे, और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसके पीछे उसका बक्सा भी चलने लगता है, जिसे देखकर रिंसविन समझ जाता है कि ये सेपियंट की लकड़ी से बना है जो हमेशा अपने मालिक के पीछे चलता रहता है। अब टू फ्लावर वहाँ से होटल आता है और ओनर को एक कमरे के लिए दो सोने के सिक्के देता है, जिस पर पूरे होटल वाले उसे देखने लगते हैं। तभी फिर टू फ्लावर के पास रिंसविन आकर कहता है कि मुझे तुम्हारा भाषा आता है, इसलिए मैं तुम्हारा गाइड बन सकता हूँ और पूरा गाँव दिखा सकता हूँ, जिस पर टू फ्लावर खुश हो जाता है। रिंसविन अब टू फ्लावर से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि मैं काउंटरवेट कॉन्टिनेंट से हूँ। दूसरी तरफ होटल का ओनर उस सिक्के को एक सोनार को दिखाता है जो उसे कहता है कि ये शुद्ध सोना है। अब ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि गांव में कोई घूमने आया है जिसके पास बहुत सारा सोना है। दूसरी तरफ रिंसविन टू फ्लावर से कहता है कि मैं एक जादूगर हूँ, जिस पर टू फ्लावर उसे हर दिन घुमाने के दो सिक्के देने का डील करता है, जिससे रिंसविन एकदम खुश हो जाता है और वो टू फ्लावर के दिए हुए सिक्के से एक घोड़ा खरीदता है। पर फिर उसे सिपाही पकड़कर गांव के शासक के पास लाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रिंसविन ने वो घोड़ा चुराया है, पर रिंसविन कहता है कि मैंने पैसे से खरीदा है। जिस पर रूलर कहता है कि मुझे काउंटरवेट के राजा का एक लेटर मिला है जिसमें उन्होंने बताया है कि टू फ्लावर हमारे गांव में घूमने आया है, यदि उसे कुछ हुआ तो वो हमारे गांव पर हमला कर देंगे, इसलिए तुम्हारा काम है कि टू फ्लावर की रक्षा करना और यदि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं ही तुम्हारी जान ले लूंगा। वही यहाँ टू फ्लावर होटल के ओनर को फिर से इंश्योरेंस देकर कहता है कि तुम्हारे होटल में अगर आग लग गई तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। फिर तभी वहाँ कुछ अनजान लोग आ जाते हैं जो टू फ्लावर को लेने आए थे, पर होटल के लोग उन्हें ले जाने से मना कर देते हैं, जिसके कारण वो अनजान लोग सभी से झगड़ने लगते हैं। दरअसल टू फ्लावर के पास काफी सोने के सिक्के होने के कारण सभी उसे अपने साथ रखना चाहते थे ताकि उन्हें उसके सिक्के मिल सके, पर तभी वहाँ रिंसविन आकर टू फ्लावर से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। अब वहाँ टू फ्लावर का बक्सा भी आ जाता है जो एक आदमी के पालतू कौवे को खा जाता है, जिससे सभी डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब टू फ्लावर और रिंसविन दोनों होटल के बाहर आकर अपना फोटो खिंचवाते हैं। दूसरी तरफ होटल का ओनर इंश्योरेंस की मदद से अपना होटल जलाने के लिए हर जगह ऑयल छिड़क देता है, पर उससे आग नहीं जलती, जिसके बाद वहाँ मौत का देवता थैनेटस आकर उसे एक मोमबत्ती देता है, और जब ओनर उसकी तरफ देखता है तो उसकी हालत एकदम पतली हो जाती है और अब पूरे होटल में आग लग जाती है, जिसके चपेट में गांव के घर आने लगते हैं। रिंसविन और टू फ्लावर अपनी जान बचाकर गांव के बाहर आ जाते हैं, पर तब तक पूरा गांव जल चुका था। फिर तभी टू फ्लावर एक घोड़े पर बैठता है जो उसे अपने साथ दूर ले जाने लगता है, और रिंसविन भी घोड़े का पीछा करने लगता है, जिसके बाद हमें एक रहस्यमय किताब ऑक्टावा को दिखाया जाता है जो यूनिवर्सिटी के नीचे तहखाने में चैन से बंधी हुई थी और जो अपने आप ही हिल रही थी, मानो उस किताब में जान हो। दरअसल रिंसविन के कारण वो किताब परेशान है, अब ऐसा क्यों है हमें आगे पता चलेगा। वही चैंसलर और लाइब्रेरियन उस किताब को देख रहे थे। चैंसलर कहता है कि रिंसविन को मैंने यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है और मेरे और तुम्हारे सिवाय किसी और को नहीं मालूम है कि वो कहाँ है। वो अकेला ऐसा इंसान है जिसने ऑक्टावा को छुआ है, जिस पर लाइब्रेरियन कहता है कि इससे पहले वाले लाइब्रेरियन स्पॉल्ड को मालूम है कि रिंसविन कहाँ है।
है जो सारी बात टीरमैन दरवाजे के पीछे से सुन रहा था। जिसके बाद वो अंदर आकर कहता है कि मुझे एक किताब चाहिए, और अब टीरमैन को उस किताब से एक सीक्रेट दरवाजा का पता चलता है। दूसरी तरफ टू फ्लावर को अब दो रास्ता दिखाई देता है, जिसमें एक तरफ बेल शैमरोथ का टेम्पल और दूसरी तरफ विम्बर्ग ड्रैगन का महल है। टू फ्लावर को ड्रैगन पसंद थे, इसलिए वो उसी रास्ते की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ स्पॉल अपने घर में होता है, जो बहुत ज्यादा सिक्योर था और उसमें कोई खिड़की नहीं थी। वो सांसें भी दरवाजे में लगे लॉक के होल से लेता था। टीरमैन अब किताब के जरिए उसके घर में जाने का रास्ता ढूंढकर स्पॉल के घर में घुस जाता है और उससे सवाल करता है कि ऑक्टेवा परेशान क्यों है। जिस पर स्पॉल बताता है कि उस किताब के 8 मंत्र में से एक गायब है और वो मंत्र कहाँ है मुझे नहीं पता। जो जानने के बाद टीरमैन को लगता है कि स्पॉल झूठ कह रहा है, जिसके कारण टीरमैन दरवाजे के होल पर कोई चीज चिपका देता है और अब कमरा पूरी तरह से बंद हो जाने के कारण स्पॉल की मृत्यु हो जाती है। वहीं यहाँ टू फ्लावर विम्बर्ग के पास जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत था, पर तभी वहाँ रिंसविंड भी आ जाता है, पर एक ड्रैगन टू फ्लावर को अपने साथ ले जाता है। और जब रिंसविंड घोड़े से उसका पीछा करता है तो वो एक लकड़ी से टकरा कर नीचे गिर जाता है, जहाँ उसे एक बोलने वाला तलवार दिखाई देता है, जो उससे कहता है कि मैं जादुई तलवार हूँ, तुम मुझे यहाँ से निकाल कर टू फ्लावर को बचाओ। अब रिंसविंड के उस तलवार को निकालते ही वो तलवार उसे अपने साथ ले जाने लगता है, और तभी वहाँ एक असैसिन आ जाती है। पर रिंसविंड उस पर हमला करके कहता है कि तुम मुझे विम्बर्ग ले जाओ, मुझे टू फ्लावर को बचाना है। पर वो असैसिन उसे महल लाकर चुनौती देती है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते थे तो मुझसे लड़ो। असैसिन अब उसे उल्टा लटका कर उससे लड़ने लगती है। दूसरी तरफ टू फ्लावर जेल में बंद हो जाता है और कहता है कि काश मैं एक ड्रैगन देख पाता। और तभी वहाँ एक ड्रैगन प्रकट होकर उससे कहता है कि आपने मुझे याद किया। जिस पर हैरान टू फ्लावर कहता है कि ऐसा कैसे हो गया, तुम कहाँ से आ गए। जिस पर ड्रैगन जवाब देता है कि आपके अंदर कुछ तो शक्ति है, इसलिए जो भी चीज की आप इच्छा करोगे वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी, पर ये शक्ति सिर्फ विम्बर्ग तक ही सीमित है। आप ड्रैगन जेल को तोड़कर टू फ्लावर को आजाद कर देता है। वहीं इधर रिंसविंड असैसिन से लड़ते हुए नीचे गिर जाता है, पर तभी सही समय पर टू फ्लावर ड्रैगन पर सवार सही समय पर रिंसविंड को बचा लेता है। पर उड़ते हुए रिंसविंड की जादुई तलवार गिर जाती है, और जब वो विम्बर्ग से दूर आ जाते हैं तो वो ड्रैगन भी गायब हो जाता है, जिसके कारण टू फ्लावर और रिंसविंड दोनों नीचे समुन्दर में गिर जाते हैं। अब हमें क्रूल राज्य को दिखाया जाता है, जो डिस्क वर्ल्ड के एकदम किनारे पर था, जो अब भी कछुए का जेंडर मालूम करने की मिशन पर लगे थे। अब रिंसविंड और टू फ्लावर समुन्दर में बैठे हुए डिस्क वर्ल्ड के किनारे तक आ जाते हैं, पर भागे से किनारे पर लगे रस्सी से टकरा जाते हैं, जिससे एक घंटी बजने लगती है। दूसरी तरफ लाइब्रेरियन चैंसलर के कमरे की तरफ आता है, पर दरवाजे के बाहर टीरमैन खड़ा होता है, जो लाइब्रेरियन को बताता है कि तू अंदर नहीं जा सकते क्योंकि चैंसलर अभी बीमार है और वो आराम कर रहे हैं। दरअसल कमरे के अंदर टीरमैन ने चैंसलर के ऊपर एक पत्थर को रस्सी से बांधकर लटकाया होता है, जो रस्सी दूर से एक अग्नि से जल रही थी। अब चैंसलर जैसे ही नींद से उठता है तो वो रस्सी पूरी तरह से जलकर पत्थर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो सीन वहीं कट होकर टीरमैन की तरफ मुड़ जाती है, जो लाइब्रेरियन को लेकर तहखाने में आता है और ऑक्टेवा को छूने की कोशिश करता है, पर लाइब्रेरियन उसे चेतावनी देता है कि इसे मत छूना, इससे पहले जिसने इसे छुआ था उसके बाद उसने अपनी एक भी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाया। पर टीरमैन कहता है कि मुझे मालूम है वो रिंसमेंट था और वो एक मंत्र भी रिंसमेंट के पास ही है, पर मुझे इतना जानना है कि रिंसमेंट कहाँ है, जो सुनकर लाइब्रेरियन शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ टू फ्लावर रिंसमेंट को एक पत्थर पर लाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, जिसकी मदद से अब रिंसमेंट होश में आ जाता है। वो दोनों अब डिसवर्ल्ड के किनारे एक छोटे पत्थर पर खड़े थे। टू फ्लावर अब कहता है कि तुम कोई जादू करके मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, जिस पर रिंसविंड कहता है कि जादू से गायब करना या किसी चीज को बदल देना वो 8वें रैंक जादूगर का काम है, पर मुझे वो नहीं आता, मैंने अपनी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं की, मुझे तो बस एक ही मंत्र आता है और वो भी मुझे गलती से मिल गया था। जब मैं यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था तब मेरे दोस्त ने शर्त लगाया था कि मैं अगर ऑक्टावा को खोलूंगा तो वो मुझे शराब देंगे, जिसके कारण ही मैंने उसे खोला। पर जैसे ही मैंने ये किया उसके पहले पेज का मंत्र अपने आप मेरी आंखों में चला गया, जिसके बाद से ये मंत्र मुझे याद हो गया है, और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो ये मंत्र अपने आप से मुझसे आजाद हो जाएगा। यानी कि इसीलिए ऑक्टावा परेशान है कि उसकी किताब का
एक मंत्र गायब है। अब रिनसिन और टू फ्लावर दोनों पत्थर पर खड़े होकर डिस वर्ल्ड के किनारे को देख रहे थे। टू फ्लावर अब कहता है कि तुम एक रस्सी से टकराए थे, तो शायद ये रस्सी बचाव के लिए है कि कोई किनारे से गिर ना जाए। पर तभी वहाँ उस रस्सी से लगी एक नाव आ जाती है और वो दोनों उस नाव पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ टीरमोन चैंसलर के पास आता है, यानी कि चैंसलर अब भी जीवित है। टीरमोन उसे कहता है कि हमें रिनसिन को मारकर उससे मंत्र लेना चाहिए, ताकि हम उस मंत्र को फिर से ओक्टावा में डालकर उसकी परेशानी को ठीक कर सके। जिस पर चैंसलर राजी हो जाता है और अब वो एक आईने में रिनसिन को देखता है और उस आईने में तीर मारकर टीरमोन से कहता है कि इसमें कुछ समय लगेगा, जो तीर सीधे रिनसिन को लगेगी जिससे उसकी मौत हो जाएगी और वो मंत्र फिर से ओक्टावा में लौट जाएगा। पर फिर टीरमोन सवाल करता है कि यदि कोई इंसान पूरे 8 मंत्र को एक साथ पढ़े तो क्या होगा, जिस पर वो बताता है कि तुम्हें पहले तो 8वें रैंक पर आकर चैंसलर बनना पड़ेगा। फिर तभी वहाँ लाइब्रेरियन आकर कहता है कि ओक्टावा बहुत ज्यादा परेशान है, मानो अब वो चैन से आजाद हो जाए। सभी अब ओक्टावा के पास आते जो बहुत ही ज्यादा हिल रहा था। दूसरी तरफ रिनसिन और टू फ्लावर दोनों एक सिविलाइजेशन पहुंचते हैं जो क्रूर राज्य था। तभी फिर एक फीमेल उन पर इल्जाम लगाती है कि तुम घुसपैठी हो और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो दोनों भागकर अंदर चले जाते हैं, जहां अंदर एक कमरे में उन्हें 2 स्पेस सूट दिखाई देता है। और फिर तभी वहां 2 एस्ट्रोनॉट्स आ जाते हैं, पर रिनसिन और टू फ्लावर दोनों उस पर हमला करके बेहोश कर देते हैं और उनका स्पेस सूट पहन लेते हैं। आप क्रूल के राजा अपनी प्रजा से कहता है कि आज हम 2 एस्ट्रोनॉट्स को डिस वर्ल्ड के बाहर भेजकर कछुए का जेंडर मालूम कर लेंगे। जिसके बाद वहाँ रिनसिन और टू फ्लावर दोनों वही स्पेस सूट पहनकर प्रकट होते हैं और स्पेसशिप की तरफ अब बढ़ने लगते हैं। पर तभी राजा को उन पर शक हो जाता है और वो अपने साथियों को उनकी तरफ भेज देते हैं। और फिर तभी वही एस्ट्रोनॉट्स भी आ जाते हैं, पर समय रहते रिनसिन और टू फ्लावर दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ ऑक्टावा से कोई रहस्यमय रोशनी निकलकर लाइब्रेरी की तरफ जाती है और सभी उसके पीछे निकलते हैं, पर वो रोशनी लाइब्रेरी से होते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती है और उस रोशनी की चपेट में आने के कारण लाइब्रेरियन एक बंदर में बदल जाता है। इधर टू फ्लावर एक स्पेसशिप तक पहुंच जाता है और उसे खोलकर अपना पहला कदम बढ़ाता है, जिसके कारण कोई बटन ट्रिगर हो जाता है जिससे एक काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। वहीं ऑक्टावा की रोशनी हॉल में आकर रुक जाती है और उस रोशनी से एक स्ट्रक्चर बनने लगता है जो दरअसल डिस्क वर्ल्ड का था। उस स्ट्रक्चर से धुआं निकलकर वो पूरे शहर में फैलने लगता है। यहाँ टू फ्लावर स्पेसशिप के अंदर बैठ जाता है और रिनसिन उसे पकड़ लेता है और शिप चालू होकर डिस वर्ल्ड के बाहर आ जाती है। और तभी वहाँ वो तीर भी आ जाता है, पर रिनसिन के नीचे गिरने के कारण वो तीर फिर से वापिस चला जाता है और टू फ्लावर का बक्सा भी नीचे कूद जाता है। दूसरी तरफ चैंसलर और टीरमैन दोनों यूनिवर्सिटी के एकदम ऊपर आ जाते हैं, जहाँ आकाश में गुलाबी तारा चमक रहा था। टीरमैन अब सवाल करता है कि ये क्या हुआ, जिस पर चैंसलर बताता है कि इसे जाने के लिए मुझे अक्षेंटी रिचुअल करना होगा। और जब चैंसलर रिचुअल कर ही रहा होता है कि तभी टीरमैन उसे मारने की कोशिश करता है, पर तब तक चैंसलर को खबर लग जाती है और वो तब तक उसके वार को रोक लेता है। चैंसलर अब कहता है कि ये धुआं एक बदलाव है ओक्टावा द्वारा, जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। और तभी वो तीर फिर चैंसलर की टोपी पर आकर लगता है और जब वो अपनी टोपी उठाने जाता है तो टीरमैन उसे वहां से नीचे ढकल देता है। और तभी वहां बाकी लोग भी आ जाते हैं जो चैंसलर के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कहां गए, जिस पर टीरमैन कहता है कि अब से मैं ही चैंसलर हूं। दूसरी तरफ रिनसिन और टू फ्लावर दोनों उस कछुए के पास आ जाते हैं और वहां से सूर्य के खूबसूरत नजारा देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। मानो इसके आगे की जानकारी हमें इसके अगले पार्ट में मिलेगी। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।